खेले आमिर आपकी चाय। आमिर चाय क्या वो थैंक यू। हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं कुछ खास नहीं, बस बजट कंट्रोल नहीं हो रहा है। 3 महीने हो गए कोई सेविंग्स नहीं है, खर्चे पे खर्चे हो रहा है। और देखा जाए तो हमारी कोई आउटिंग नहीं है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं है। आउटिंग? हम जाते ही कहाँ हैं? और अब ऐसा ना कहें कि एक्स्ट्रा खर्चे नहीं हैं, बिल्कुल खर्चे हैं। मैं समझा नहीं। आमिर बुरा मत मानिएगा, लेकिन अम्मी की दवाई देख लें, इतनी महंगी दवाएं आती हैं, वो भी तो एक खर्चा है ना। वो तो क्या करूं, दवाई लाना बंद कर दूं, छोड़ दूं? नहीं कह रही, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि यासिर भाई से आप पैसे ले सकते हैं अम्मी की दवाओं के। अब वो भी उनके बेटे हैं, इतनी जिम्मेदारी तो उठा ही सकते हैं ना अपनी माँ की। क्या हो गया तुम्हें? मुझे अच्छा नहीं लगता यार, मैं अपनी माँ की दवाओं के लिए अपने बड़े भाई से कहूँ कि मुझे पैसे देने। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि अपनी माँ का खर्चा नहीं उठा सकूं, सिर्फ 15,000 रुपये उनकी दवाओं का खर्चा। एक और हल है, अगर हम अम्मी को हर्बल मेडिसिन्स देना शुरू कर दें, वो भी बहुत फायदेमंद होती हैं। मेरी अम्मी एक हकीम को जानती हैं, 200-300 में पुड़ियां बना के देगा और वो पुड़ियां पूरा महीना चलती हैं, शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए होती हैं। करती हो यार, मतलब मैं पैसे बचाने के लिए अम्मी को डॉक्टर के बजाय हकीम के पास लेके जाऊं और पैसे बचाऊं और वो घर पे लगाऊं, सेविंग करूं उनकी। आमिर मैं तो सिर्फ मशवरा दे रही थी, और वैसे कोई हर्ज नहीं है हकीम के पास जाने और इलाज करवाने में। आर यू सीरियस? फिर तो एक ही हल बचता है, हम दोनों फीका खाना शुरू कर देते हैं। अब आप देखें, हमारे घर रोज दो दो डिशेस बनती हैं, अम्मी के लिए फीका, हम लोगों के लिए मसालों वाले, तो हम एक ही खाना यार बने। प्लीज, तुम मुझे कोई मशवरा ना दो यही बेहतर हो। मैं पहले इन सारे कामों में उलझा हूँ, तुम्हारा काम है घर को संभालना, तुम घर संभालो बस।